हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस. तो स्टूडेंट, आज से आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज दैट इज़ वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट हो रही है. अब से हम हर वीडियो में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड एज पर योर एग्जाम पैटर्न, जो आपके एग्जाम का लेवल रहता है, चाहे वो KVS हो, DSSSB हो या NVS हो, जो भी आपके एग्जाम का लेवल है, अकॉर्डिंग टू दैट इसमें वर्ड्स इंक्लूड करे गए हैं. तो अब से हम हर वीडियो में 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर अप करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, आपकी दो सीरीज चल रही हैं, जैसा कि एक है वोकैब की और एक है इंग्लिश ग्रामर की. लेकिन अब क्या रहेगा कि जो आपकी वोकैब और जो वन वर्ड है स्टूडेंट, ये आपकी ऑल्टरनेट डेज पर आया करेगी. जैसे आज अगर आपकी वन वर्ड की आई है तो कल आपकी वोकैब की आया करेगी और परसों फिर आपकी वन वर्ड की आएगी. लेकिन जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ है वो आपकी रेगुलर बेसिस पर आएगी. तो बस आपको कुछ नहीं करना है. अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट अगली बार कोई भी वीडियो आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. सेकेंडली स्टूडेंट, इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है इंग्लिश क्लासेस के नाम से. आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, आपको इंग्लिश क्लासेस मिल जाएगा. वो इसलिए क्योंकि जो भी लेक्चर एक दिन पहले होता है रिलेटेड टू दैट, नेक्स्ट डे वहाँ पर क्विज होता है, सो दैट आपका एक रिविजन भी हो सके. ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट ने इंग्लिश क्लासेस को फॉलो नहीं कर रखा है टेलीग्राम पे, वो इंग्लिश क्लासेस सर्च करे. वहाँ पे उसे कंसाइज क्लासेस का ही लोगो देखने को मिलेगा और चैनल को फॉलो कर ले. तो आइए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड है आपका एबेटोयर. इसे एबेटोयर नहीं बोलेंगे, इसे एबेटोयर बोलेंगे. एक वो प्लेस जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है, स्लॉटर करा जाता है, काटा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका एब्रीविएशन या फिर अक्रोनिम. सी, एब्रीविएशन और अक्रोनिम क्या होता है? शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज. जब किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को, किसी सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं एब्रीविएशन या फिर अक्रोनिम. जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट यूज करते होंगे आई डोंट नो को लिखते होंगे IDK. ठीक है, टॉक टू यू लेटर को लिखते होंगे TTYL. तो ये सब क्या है? ये सब है आपके एब्रीविएशन या फिर अक्रोनिम. नेक्स्ट है आपका अबॉर्ड. अबॉर्ड क्या होता है? हाउस या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई रहता है. ठीक है, अबॉलिश का मतलब होता है किसी को पूरी तरह से समाप्त कर देना, खत्म कर देना, एंड कर देना कंप्लीटली. नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका एब्सकॉन्डर. एब्सकॉन्डर बेसिकली क्रिमिनल्स के लिए या फिर थीव्स के लिए या जो भी अपनी अरेस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं उनके लिए यूज होता है. ऐसे लोग चुपचाप भाग जाते हैं, बिना बताए सीक्रेटली भाग जाते हैं, सो दैट ये अरेस्ट को अवॉइड कर सकें, अरेस्ट से बच सकें. ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकॉम्प्लिस. अकॉम्प्लिस कौन होता है? जो गलत काम में आपकी मदद करता है, जो हेल्पर होता है आपका इन रॉन्ग डूइंग. नेक्स्ट है आपका अडोलेसेंस. अडोलेसेंस स्टूडेंट जो चाइल्डहुड होता है और जो अडल्टहुड होता है उसके बीच का समय होता है. ठीक है, आई थिंक इसे हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं. ठीक, नेक्स्ट है आपका एफिडेविट. एफिडेविट आप लोगों ने देखा ही होगा, काफ़ी सारे यू नो सरकारी कामों में, गवर्नमेंट काम में इसका यूज़ होता है. एक रिटन डिक्लेरेशन इस पर होता है, मतलब जो भी अगर उस एफिडेविट में, अगर उस पेपर में लिखा है, ओके, उसे सत्य माना जाता है, ट्रू माना जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका अग्रेसिव. अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? ये ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो हमेशा तैयार रहता है किसी पर भी अटैक करने के लिए, बहुत गुस्से वाला, बहुत एंग्री. ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं अग्रेसिव. ठीक है, तो जो अग्रेसर होता है ना, अग्रेसर ही ऐसा व्यक्ति होता है जो अग्रेसिव माना जाता है. जैसे नेक्स्ट वर्ड आप पढ़ रहे होंगे अग्रेसर, सो वन हु अटैक्स फर्स्ट या फिर वन हु इज अग्रेसिव. तो अग्रेसर कौन होता है? जो अग्रेसिव होता है, जो दूसरों से लड़ने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए एकदम रेडी रहता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आपका अग्नोस्टिक. अग्नोस्टिक क्या होता है? जो गॉड के एग्जिस्टेंस पर डाउट रखता है, मतलब अगर आप उसे कोई तर्क दोगे तभी वो बिलीव करेगा. कहने का मतलब है कि वो भगवान पर विश्वास तभी करेगा अगर आप उसे कोई प्रूफ दे दोगे, वरना वो गॉड के एग्जिस्टेंस पर डाउट ही करता रहेगा. तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एग्नोस्टिक. एथीस्ट अलग होता है. एथीस्ट तो भगवान पर विश्वास ही नहीं करता है. ठीक है, उसे कोई मतलब ही नहीं कि आप उसे प्रूफ दो मत दो, लेकिन जो एग्नोस्टिक है वो भरोसा कर लेगा अगर आप उसे ऐसा प्रूफ दोगे जो भरोसा करने लायक होगा. नेक्स्ट है स्टूडेंट एलियन. एलियन का मतलब होता है आप किसी ऐसी कंट्री में जाते हो जहाँ पे अगर आपको कोई नहीं जानता है, आप वहाँ का कल्चर नहीं जानते, तो आप वहाँ के लोगों के लिए एक एलियन हो. ठीक है, सिमिलरली अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके देश में आ जाता है जो आपको नहीं जानता है या फिर आपके कल्चर को नहीं जानता है, तो वो भी एक एलियन है. नेक्स्ट है स्टूडेंट
अलाइन, अलाइन क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को स्ट्रेट लाइन में रख देते हो, ऑर्डरली पोजिशन में रख देते हो, तो उसे हम कहते हैं अलाइन। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी क्या होता है, मनी गिवन टू अ वाइफ बाय अ हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स। कहने का मतलब है जब हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तो जो पैसा हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है आफ्टर डिवोर्स, उसे हम कहते हैं एलिमनी। नेक्स्ट है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ में थोड़ा बहुत चेंज करना, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करना कहलाता है स्टूडेंट ऑल्टर। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। अगर ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो में ज़रूर बताना कि सेशन कैसा लगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।